उधर चौर घाटी में चैतौल पर्व की धूम है। इस पर्व को भाई बहन के प्रेम के रूप में देखा जाता है, लिहाजा बाहर गए लोग अपने गांव घरों में लौटते हैं। इस मौके पर देवता अपनी 22 बहनों को भिटौली देने के लिए 22 गांव में जाता है। चैत्र का महीना सोर घाटी में खासी अहमियत रखता है। दरअसल पूर्णिमा के बीच यहाँ चैतौल पर्व मनाया जाता है, जिसे भाई बहन के प्रेम का त्योहार भी कहा जाता है। इस दौरान काम के लिए बाहर गए सोर घाटी के लोग अपने घरों में लौट आते हैं और चैतौल पर्व में शिरकत करते हैं, यानी भाई अपनी बहनों को भेंट देने के लिए उनके गांव में जाते हैं, जिसे सोर घाटी में भिटौली का पर्व भी कहा जाता है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक भाई के मन में, प्रत्येक बहन के मन में जितना प्यार है, और पूरे देवता जो है पूरे गांव में घूम घूम कर अपनी बहनों को भिठोला देकर और बहुत हर्षोल्लास से इस पर्व को हम मनाते हैं। चैतौल पर्व की खासियत ये है कि चैतौल देवता खुद 22 गांव में अपनी 22 बहनों को भिठोली देने जाते हैं, जिसके लिए सोर घाटी में खासी तैयारियां की जाती हैं। बाकायदा भगवान का डोला और छतरी तैयार की जाती है और इसके बाद डोला सोर घाटी में घुमाया जाता है। डोले की शुरुआत एकाशी के दिन घुनसेरा गांव से होती है, जिसे बीर, चैसर, जाखनी और कुमौड़ गांव होते हुए पूर्णिमा के दिन घंटाकरण मंदिर ले जाया जाता है। मुख्य बात है वो है छत्र का घुमाया जाना, जो केवल सोर के क्षेत्र में ही देखा जाता है। थोड़ा सा अस्कोट का कुछ तल्ला चरमा इलाका है, वहाँ भी छत्र घुमाया जाता है, और कहीं पर डोले के साथ छत्र घूमता है, कहीं पर केवल छत्र ही घुमाया जाता है।